थैंक यू डॉक्टर साहब, कपिल जी को भी ले जाओ साहब। ठीक है। मेडिकल कॉलेज हमीरपुर जो लगभग 355 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा, यहाँ मेडिकल कॉलेज और अस्पताल दोनों की सुविधा है। मेडिकल कॉलेज का ब्लॉक पहले बनकर तैयार होगा जो लगभग अक्टूबर के दूसरे हफ्ते तक बनकर तैयार होने की उम्मीद है। वहीं दूसरी ओर जो अस्पताल है वो फरवरी 2023 तक बनने की उम्मीद है। अपेक्षित समय से लगभग 5 से 6 महीने विलंब है, जिसका मुख्य कारण कोविड की समस्या भी रहा और कई और परिस्थितियां जो काम करने में रुकावट बनी उसके कारण भी, लेकिन वापस एक बार काम ने गति पकड़ी है। हम सबका प्रयास है कि कम से कम मेडिकल कॉलेज 15 अक्टूबर की बजाय अगर एंड सितंबर तक हो जाए तो विद्यार्थियों को सुविधा पहले मिल जाएगी, और अस्पताल जो अभी हमीरपुर का इस्तेमाल होता है उसी को ही इस्तेमाल करें, और भविष्य में दोनों हमीरपुर का अस्पताल भी और मेडिकल कॉलेज के साथ जो अस्पताल बन रहा है जो 250 बेड का है उसका लाभ भी। कांग्रेस ने 3 वर्षों तक तो यहाँ पर जमीन ही नहीं दी, अगर जमीन दे दी होती तो आज तक अस्पताल बनकर तैयार हो गया होता। मेडिकल कॉलेज तो हमने बहुत पहले मंजूर करवा दिया था, जमीन भी हमें देनी पड़ी और अस्पताल का निर्माण भी भारतीय जनता पार्टी ने ही करवाया है। कांग्रेस ने तो 3 साल जमीन नहीं दी, और केवल हमीरपुर मेडिकल कॉलेज नहीं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी देहरा और धर्मशाला के साथ भी कांग्रेस ने ऐसा ही किया, और एम्स अस्पताल के लिए भी वर्षों तक जमीन का ही इंतजार करना पड़ा। आखिरकार कांग्रेस कभी भी हिमाचल प्रदेश का विकास चाहती ही नहीं, कांग्रेस ने कभी भी बड़े प्रोजेक्ट हिमाचल में लगने की इच्छा ही जाहिर नहीं की, और जब हम मंजूर करवा कर लाए भी
तो कांग्रेस ने केवल उसको रोकने के हर संभव प्रयास किए, चाहे उनके स्थानीय नेता थे या। आजादी का अमृत महोत्सव देश धूमधाम से मना रहा है और पूरी दुनिया भर में भारत के आजादी के 75 वर्ष को लेकर बहुत सारे सांस्कृतिक खेल के और बाकी कार्यक्रम भी करवाए जा रहे हैं। ऐसे हजारों अनसंग हीरो जिन्होंने आजादी की लड़ाई में तो बहुत बड़ा रोल अदा किया, लेकिन उनको याद पिछले 70 वर्षों में पूर्व की सरकारों ने नहीं किया। हम उनको याद भी कर रहे हैं, हर जिला से उनके नाम भी निकाल रहे हैं। मैं मीडिया से मित्रों से अनुरोध करूंगा कि वो भी जिला हमीरपुर के नाम ऐसे निकालें जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में या आज़ादी के बाद भारत के निर्माण में बड़ी भूमिका निभाई हो। और जहाँ तक खेलों की बात है, बहुत सारे आयोजन चल भी रहे हैं, बहुत सारे आयोजनों की और भविष्य के लिए तैयारियां भी चल रही हैं। जब वो निर्णय पूरे हो जाएंगे आपको उससे अवगत। राजस्थान में हुई हिंसाएं, राहुल गांधी जी की चुप्पी, बार बार तुष्टिकरण की राजनीति को बढ़ावा देना, ये अपने आप दिखाता है कि कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति के लिए कितना नीचे गिर सकती है। ये वातावरण जो खड़ा हुआ है, इसको रोकने के लिए जिस तरह की चुनौती बदले की भावना के साथ और जिस तरह के वीडियोस राजस्थान में सामने आए थे, उसके बावजूद भी राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने और गांधी परिवार ने मौन धारण करके रखा, कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके कारण पहले महाराष्ट्र में उनकी सरकार में, फिर राजस्थान में उनकी सरकार में लोगों की है। अगर उनके पास ऐसे कोई तथ्य हैं तो जरूर जनता के सामने लाने चाहिए। सर अमृत महोत्सव चल जरूर लाने चाहिए, और अगर कराया था तो अपनी सरकार के समय 3 साल जमीन क्यों नहीं दिला पाए।